अभी हम सोनवल रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। यह है सोनवल का नया रेलवे स्टेशन जो अभी निर्माणाधीन है और अभी यहाँ पर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ अमित। आज हम सोनवल रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कौन कौन से नए कार्य हो रहे हैं। बने रहे वीडियो में, आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं और क्या क्या नया चीज़ यहाँ पर बना है। ये अभी नया बनाया गया है, यह है सिद्धार्थनगर तारीघाट एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी अभी यहाँ पर आई है सोनवल रेलवे स्टेशन पर। इस रेलवे स्टेशन को बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं। दोस्तों, ये OHE का कार्य भी यहाँ पर हो रहा है। और अभी हम पिछली वीडियो में आए थे तो यहाँ पर आपको दिखाया था, ये ट्रैक को अभी बिछाया नहीं गया था और ये ट्रैक सिर्फ रखा गया था, अलाइन करा गया था बस। और आज इस ट्रैक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म का RCC का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और यह है पूरा सोनवल रेलवे स्टेशन का दृश्य। फ्रेंड्स, ये रेलवे ट्रैक को आगे तक बिछाया जा चुका है। और इधर पूरा कनेक्टेड है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ट्रैक के साथ। यह है सोनवल रेलवे स्टेशन का FOB फुट ओवर ब्रिज और ये अभी निर्माणाधीन है। इस पर स्टेयर्स का निर्माण हो रहा है और छत लगाना बाकी है। ये स्टेयर्स का निर्माण हो रहा है FOB पर और इस पर अभी कार्य चल रहा है। ये ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ से गिट्टियों की लोडिंग होने के बाद इसको उतारा जा रहा है दूसरी जगह पे और ले जाया जा रहा है। और ये FOB सोनवल रेलवे स्टेशन का, यह है सोनवल रेलवे स्टेशन का पूरा दृश्य। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, वे अभी हम मालगाड़ी के ऊपर खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं। और यह है मालगाड़ी जो स्लीपर्स और ट्रैक से लदी हुई है। इन स्लीपर्स और ट्रैक को इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैक को बिछाने के लिए। यहाँ पर ढलाई करा जाएगा और तत्पश्चात सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। सोनवल रेलवे स्टेशन की ये बिल्डिंग और ये है सोनवल रेलवे स्टेशन का छत सैड। अभी हम सोनवल रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग में से दिखा रहे हैं और ये लाइट्स वगैरह पूरी तरीके से फंक्शनल है और जल भी रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है, भविष्य में फ्यूचर में टिकट काउंटर बनने वाला है। और यह है बाहर का नज़ारा। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था यहाँ पर RCC नहीं करी गई थी और अब यह RCC करी जा चुकी है, आप देख सकते हैं। लाइट्स वगैरह पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं
और ये पानी पीने के लिए बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी पानी के लिए पूरी व्यवस्था करी जा चुकी है और ये पानी पीने के लिए बनाया जा रहा है। और अभी इसका निर्माण चल रहा है, यहाँ पर आगे कुछ कार्य हो रहा है, ट्रैक्टर और मजदूर लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का दृश्य। ये बैठने के लिए बनाया जा रहा है लोगों के लिए और इस पे छत लगाया जाएगा, नीचे कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को अभी चलाने हेतु कोई भी दिनांक सुनिश्चित नहीं करा गया है और इसे कब चलाया जाए इसका भी कुछ पता नहीं है। देखते हैं कब तक चलाया जाता है इस रेलवे स्टेशन को, और श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। फ़िलहाल में तो यह एक सोनवल रेलवे स्टेशन होगा और इसको जंक्शन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी दूसरी तरफ को लाइन नहीं जाती है, सिर्फ घाट वे गाजीपुर सिटी को ही लाइन जाती है। आपको बता दें यह जो रेलवे स्टेशन है इसका अभी नाम सोनवल रखा गया है और इसको सोनवल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं भविष्य में इसका नाम भी बदला जा सकता है और उद्घाटन के समय इसका नाम भी पता चल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यह है सिग्नलिंग बॉक्स और यहां से सभी सिग्नल्स वे ट्रैक्स को कंट्रोल किया जाता है। ये बॉक्स के अंदर का पूरा दृश्य है, यहाँ पर बहुत सारे तार लगाए गए हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है और यहाँ पीछे की तरफ कार्य भी हो रहा है इसका। ये देखिए आगे आप देख पा रहे होंगे रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा गिट्टियों को ट्रैक्स पर लाया जा रहा है और ट्रैक्स पर गिट्टियों की पैकिंग करी जा रही है और पैकिंग मशीन्स के द्वारा भी होती है गिट्टियों की। यहाँ पर तीव्र रफ्तार में कार्य हो रहा है रेलवे ट्रैक्स का और जल्द से जल्द इस रेलवे स्टेशन को चालू किया जाएगा। यहाँ पर पेंटिंग का भी कार्य हो रहा है। ये जो दूसरा ट्रैक आप देख रहे हैं ये गाजीपुर घाट को कनेक्ट करेगा और ये फ्यूचर लाइन है जिसका निर्माण किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन को जाने वाले ट्रैक को कंप्लीट कराया जा रहा है। इस ट्रैक पर डीजल वे इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रायल हो चुका है। अभी हम वह जगह पर पहुंच रहे हैं जहां से सोनवल रेलवे स्टेशन से ताड़ी घाट की तरफ को लाइन जाती थी और अब उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसा दिखता है अब और किस तरीके से उसे डिस्कनेक्ट करा गया है। ये अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन कार आ रहा है जिससे रेलवे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया जाता है। आप देख सकते हैं और ये गाजीपुर सिटी से आ रहा है। और रेगुलर इस ट्रैक पर इंस्पेक्शन कार को दोहराया जाता है और चेकिंग होती है। हम लोग आपको दिखाते दिखाते उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से दिलदार नगर तारीघाट लाइन को डिस्कनेक्ट करा गया है और ये जो सीधा लाइन आप जाते हुए देख रहे हैं ये पहले तारीघाट को चली जाती थी और ये जो राइट साइड में
ट्रैक जाते हुए देख रहे हैं वो सीधा गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन को चला जाएगा। यह ट्रक में से बड़े बड़े पत्थरों को अनलोडिंग करा जा रहा है, उतारा जा रहा है। और यह है इंदिरानगर टारीघाट लाइन, जिसे अब बंद कर दिया गया है।